फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आप ये प्रोडक्ट देख पा रहे हो, बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स 15 ml का होता है एंड इसका प्राइस यहाँ पे 22 rupees लिखा है। लेकिन मेरे पास जो प्रोडक्ट है मैं आपको प्राइस बता देती हूँ कितना होता है। आई डोंट नो 22 का मिलता रहेगा कि नहीं। यहाँ पे ₹19, वाह अच्छा है इसका, अगर इसकी इतनी कम प्राइस है ठीक है, जो भी है बेनिफिट करे ये मैटर करता है। एंड यहाँ पे डोजेस एवरी 6 hours, 1 month to 6 months 0.5 ml ये एडवाइस किया जाता है डोजेस में। एंड 6 months या 1 year के है तो 1 ml दिया जाता है एंड 1 year to 5 years के बीच में तो 2 ml दिया जाता है। इसके डोजेस मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जो भी आपके फिजिशियन ने बोला है। या आप डायरेक्शन, अगर आपके पास ये मेडिसिन है तो जो बॉटल है, बॉटल का जो बॉक्स है, बॉक्स के पीछे देख सकते हो वहाँ पर लिखा हुआ होता है। ऐसे आप स्टोर बिलो 25 degrees Celsius के नीचे का ड्राई प्लेस में रख सकते हैं एंड डू नॉट रेफ्रिजरेट, फ्रिज वगैरह में मत रखिएगा। शेक वेल बिफोर यूज़ करने के पहले आपको इसको शेक करना है, हिलाना है, उसके बाद ही यूज़ करना है। एंड 100% फ्री है एलर्जी कॉजिंग आर्टिफिशियल कलर से, 100% नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर भी है। सो यहाँ पे 22 लिखा है, मेरे पास जो बॉटल है वहाँ उस पर 22, वहाँ पे 19 लिखा है, यानी कि इससे भी सस्ते में आ रहा है। और भी चीज़ें ये किस किस चीज़ में यूज़ की जाती है, फर्स्टली तो ये अगर आपके बेबी को बुखार है, आपका बेबी कितने भी मंथ का है, कितने भी ईयर का है, अगर आपके बेबी को बुखार है तो ये बुखार से रिलीफ करने में आपको मदद करता है। प्रोडक्ट डिटेल अबाउट बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स 15 ml, बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल एनालजेसिक्स एंड ये पेन किलर है एंड एंटी पायरेटिक्स है, फीवर रिड्यूसिंग एजेंट्स है, यूज टू रिड्यूस फीवर, फीवर को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रीट किया जाता है माइल्ड टू मॉडरेट पेन, अगर आपको बेबी को पेन वगैरह हो रहा तो भी इससे रिलीफ मिलेगा एंड रिलीफ करता है। अगर सर दर्द कर रहा, माइग्रेन इश्यू है, दांत दर्द कर रहा है, पीरियड पेन वगैरह तो होता नहीं है कभी, एंड बैक पेन है, मसल पेन है, रियोमैटिक पेन्स है, पेन एंड फीवर आर कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ पेन एक्सेप्टर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ सर्टेन नेचुरल केमिकल्स इन द बॉडी लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन। कोई भी इश्यू है अगर आपके बेबी को तो आप ये ड्रॉप दे सकते हो, अगर वो 1 month to 6 month के अंदर है तो 0.5 ml दे दीजिए, उसको रिलीफ मिल जाएगा। एंड जब भी आपको लगे, जब भी आने के ऐसा बार बार नहीं देना, कोई भी ड्रॉप 2 times या 3 times ही देना होता है। तो डॉक्टर ने अगर 2 times बताया तो 2 times यूज़ करिए, 3 times बताया तो 3 times यूज़ करिए। एंड यूज़ करने के पहले आप बॉटल को थोड़ा हिला लीजिए, उसके बाद ही ड्रॉप डालिए अपने बेबीज़ को। एंड टेक बेबी यस जेसिक ओरल ड्रॉप 15 ml एज एडवाइज बाय डॉक्टर फिजिशियन, जैसा डॉक्टर ने बताया उस तरह से लेना है। एंड और भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि नौजिया, स्टमक पेन, पेट दर्द हो सकता है, डार्क कलर यूरिन हो सकता है ये यूज़ करने से। एंड साइड इफ़ेक्ट बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स के है, मेडिसिन अटेंशन ग्रेजुअली रिजॉल्व ओवर टाइम, ये जो चीज़ें होती है ये टेम्परली होती है, ठीक हो जाती है अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिख भी रहा है तो, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और क्या लिखा हुआ, अवॉइड टेकिंग बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स, एलर्जिक टू इट, बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज, नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 years ऑफ एज, 6 years ऑफ एज के जो अंदर है उसके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता। इफ़ यू आर प्रेगनेंट और ब्रेस्ट फीडिंग प्लीज़ कंसल्ट अ फिजिशियन बिफोर यूजिंग बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स। सो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह भी बताया है, तो मेरे केस में क्या था, ये मुझे हॉस्पिटल से ही मिला था जहाँ पर मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, तो वहीं से दिया गया है, मैं भी ब्रेस्ट फीड करा रही थी एंड आई वाज नॉट प्रेग्नेंट, उस टाइम पे दिया गया था जब ब्रेस्ट फीडिंग चालू था। तो ये आप ब्रेस्ट फीडिंग में ले सकते हो क्योंकि मैंने उस टाइम पर ये यूज़ किया था, थोड़ा बहुत फीवर आया था तब। सो इसका कोई वो नहीं होता, फिर भी अगर आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हो उस हिसाब से आप करिएगा। एंड अगर ये आप ज़्यादा देते हो तो इंक्रीज़ कर सकता है लीवर डैमेज इफ़ यू हैव एन इम्पैर्ड न्यूट्रिशनल स्टेट कॉज्ड बाय एनोरेक्सिया एंड माल न्यूट्रिशन है, अल्कोहल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें बड़ों के लिए है। यूजेज ऑफ बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप्स, फीवर रिलीफ करता है, पेन रिलीफ करता है। एंड मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, पेन किलर है, वही सारी चीज़ें आपको बार बार बताई जा रही है, पेन किलर है, रिड्यूस करता है फीवर, इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ सर्टन केमिकल मैसेंजर्स, ये सारी चीज़ें में बेनिफिट्स होती है। एंड डायरेक्शन फॉर यूज़ क्या है, टैबलेट कैप्सूल स्वेलो इट एज अ होल विद अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप बड़े हैं टैबलेट के फॉर्म में दिया गया है तो इसे पूरा या आधा जैसा आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड स्टोर के बारे में, कूल प्लेस में स्टोर करना है
एंड ड्रग वार्निंग अवॉइड टेकिंग बेबी जेसिक ओरल ड्रॉप 15 एलर्जिक टू इट। अगर आपको एलर्जी है तो नहीं यूज़ करिए। एंड ड्रग इंट्रैक्शन, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन गो टू द गूगल एंड रीड इट। थैंक यू सो मच गाइस, जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी उतनी मैंने आपको बता दी है। एंड इनकेस और कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।